हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सनसेट लाइटिंग। ठीक है, जैसे बेसिक में आपको मैं बताने वाला हूँ, बहुत डिटेलिंग बेसिक इक्विपमेंट फील देने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक काम करते हैं, डू वन थिंग, एक कैम एंगल सेट करते हैं। ठीक है, लाइक मेरे पास बेस मैं बेस में काम नहीं कर रहा, तो मैंने एक काम किया, कैमरा एंगल मैं कुछ ऐसा रखने वाला ताकि मुझे बेस की नीड ही ना हो। ठीक है, कंट्रोल सी फॉर कैमरा, मेरे पास एक कैमरा आ गया, यहाँ से मैं एक आइडिया मिलेगा कैमरा कहाँ पर। ठीक है, डू वन थिंग, यहाँ से थर्ड नंबर लाइट, ठीक है, स्टैंडर्ड लाइट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है, लाइक टारगेट स्पॉट है, फ्री स्पॉट है, ठीक है, टारगेट डेथ लाइट, आप इन दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हो। हम लोग यूज़ करते हैं टारगेट स्पॉट। ठीक है, सनसेट है, लाइक सन को हम लोग दिखाते हैं इस डायरेक्शन से, लाइक ऊपर से नीचे यहाँ तक है, लाइक सनसेट के लिए मैं पे कर सकता हूँ। ओके, कुछ एक एरिया गो टू मॉडिफाई। ठीक है, शैडो यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लाइट में चलता है। अगर हम लोग कंपोजिशन में काम करने वाले हैं तो हम लोग व्हाइट लाइट ही यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि नहीं यार मैं लाइट का कलर दूँ, ठीक है, तो हम लोग कलर वाइज भी काम कर सकते हैं ब्लैक। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, लाइट सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मूव टूल टैट ऑन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा पार्ट, स्विफ्ट एंड क्यों, ऐसा कुछ पार्ट आपको देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इन्वायरमेंट की भी बात अगर मैं करता हूँ, लाइक 8 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट, एक स्काई है मेरे पास, कम ऑन स्काई, स्काई मैं आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक सिंपल सा पार्ट, स्विफ्ट एंड क्यों, ऐसा कुछ स्काई भी देखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा रिजेंबल करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लाइक मैं चल सकता हूँ, मैं गूगल से कुछ इमेजेस निकाल सकता हूँ स्काई के भी, लाइक थोड़ा सा लगेगा यहाँ पे किस टाइप का पार्ट है। ओके, कुछ चीज़ों को मैं रिकमेंड करता हूँ, लाइक मैं कुछ पीडीएफ को मैं रिकमेंड करता हूँ, ये पीडीएफ है 3D टोटल की। ठीक है, लाइटिंग ला रोल करके आदा नहीं, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस किया गया, मैं चाहूँगा कि तो आप इसे स्टडी करो। ठीक है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया यहाँ पे, लाइक किस चीज़ को फॉलो करना भी आपको आना चाहिए, आप किसी चीज़ को फॉलो करते हो तो किस सबसे चीज़ को मैनेज कर सकते हो। जस्ट बेसिक फंडा मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जाता हूँ यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिले, लेकिन मैं आपके यहाँ पर कोई कलर, तो मैं कलर कौन से देने वाला हूँ, तो लाइक मैं उन स्टूडेंट्स के लिए चीज़ को प्रिपेयर कर रहा हूँ जो थोड़ा सा स्टार्टिंग में होते हैं और उन्हें जो आइडिया नहीं मिलता। सपोज़ एक आइडिया देता हूँ यहाँ पे, लाइक मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ऐसा नाइस स्निपिंग लिया मैंने यहाँ पे और जस्ट क्लिक कर दिया मैंने पे, ये मेरे पास इमेजेस आ गया। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ पे क्या डेस्कटॉप पे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ट्राई करके मैं सेव करता हूँ। ठीक है, ट्राई टैब एंड जेपैक, मुझे इसका कलर पिक करना है, कलर कैसे पिक करें, लाइक मुझे नहीं आइडिया कि मैं कलर कैसे पिक कर सकता हूँ यहाँ पे। चलते हैं मैक्स के अंदर, ठीक है, प्रेस करते हैं एम। ठीक है, डिफ्यूज़ में चलते हैं, डिफ्यूज़ के सामने एक मैप ले लेते हैं यहाँ पे, बिट मैप, बिट मैप पे गए, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे गए, लेकिन मेरे यहाँ पे ट्राई इमेज ले लिया यहाँ पे, मुझे इसका कलर पिक करना था, देन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे। ओके, मैक्स के अंदर ओपन हो गया, दूसरा कोई मटेरियल लेते हैं, लेकिन मुझे कलर का अमाउंट चाहिए, मैं मटेरियल लेना चाहूँ, मैं मटेरियल ले सकता हूँ यहाँ पे, इवन मैं लाइट को सेलेक्ट कर लूँ यहाँ पे, विद माई लाइट, लाइट को सेलेक्ट करो आप यहाँ पे, इस पर गए, पिकर से पिक कर लिया मैंने यहाँ पर। आगे कलर, ये भी एक प्रोसेस है, आप इसे फोटोशॉप में लेके जा सकते हो, वहाँ से आरजीबी कलर नोट कर सकते हो, वो भी एक प्रोसेस है। ठीक है, इस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला, लाइक सेलेक्ट कर दिया मैंने लाइट, लाइट को मैंने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी, अभी मुझे काम करना है, लाइक मुझे ऐसा कुछ दिखाने के, लाइक इसके आगे कुछ पार्ट है जहाँ बिल्डिंग्स है, कुछ आप मॉडल बना सकते हो, लाइक जो हम उस कैमरे में नहीं दिख रहा था, उसकी नीड नहीं है बनाने की, यहाँ बेसिक बेसिक शेप में ले सकते हैं, लाइक शेप्स मैंने यहाँ पर कुछ सेट कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ रुकी यहाँ पे, सेव्स के यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, लाइक ओके ये मेरा प्रॉपर्टी यहाँ पे है। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्केल कर लिया, ठीक है, हल्का सा रोटेशन दे देते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट यहाँ पे देखा, लाइक यहाँ पे कुछ पार्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, लाइक सेव्स को मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और देन मैंने यहाँ पे कॉपी रोटेशन, ठीक है, देन स्केलिंग, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि लाइक लाइट हमारे पास यहाँ से जा रही है। ठीक है, और स्विफ्ट एंड क्यों, स्कैन लाइन पे काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, स्कैन लाइन हम लोग यहाँ पे चलते हैं, लाइक रेंडरिंग कॉमन में चलते हैं, राइट क्लिक असाइन रेंडर, लाइक इफ़ यू वांट यू कैन चेंज मेंटली, मेंटली में आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, स्विफ्ट एंड क्यों, थोड़ा सा आपका कुछ जगह डार्क है, कुछ जगह ऐसा पार्ट आएगा, लेकिन इसके पीछे भी रीजन है कि हम थोड़ा सा डार्क क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
थोड़ा सा एंगल में चेंज करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको एंगल आ जाएंगे पे, ठीक है। कुछ टिल्टेड लाइक, ठीक है। यहाँ पे जो मैं थोड़ा सा रोटेशन दे दिया यहाँ पे, जो स्टेप से मैनेज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे इंटेंसिटी को मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा, मैं बढ़ा सकता हूँ पे, लाइक लाइट है लाइक इंटेंसिटी, लाइक गो टू मॉडिफाई, मैंने यहाँ पे कर दिया लाइक 1.5 या 1.8 आप कर सकते हो आप यहाँ पे। कुछ जगह डार्कनेस, हम डार्कनेस को कम करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैंने एक काम कर दिया यहाँ पे, लाइक लाइट लगाते हैं यहाँ पे, ओमनी लाइट, ठीक है। ओमनी लाइट मैंने यहाँ पे लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और गो टू मॉडिफाई, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लाइट का जो कलर है कलर चेंज करते हैं स्काई का। ध्यान रखना अभी कैसे इम्पेक्ट आएगा आपके यहाँ पे, जो डार्कनेस था वो डार्कनेस वाला पार्ट चला गया यहाँ पे, और यहाँ पे कैसे इम्पेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इनको मैं मैनेज कर सकता हूँ, कलर यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ओके, सपोज मैंने इसका अमाउंट मैंने कर दिया 1.8 है ना, मैंने यहाँ पे कर दिया लाइक 0.8 कर दिया मैंने, जो आपका डार्क वाला जो एरिया आ रहा था वो डार्क वाला एरिया मैनेज हो गया, ठीक है। लाइक आपको मैं एक बार रिमाइंड कर दूँ यहाँ पे, लाइट सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे लाइट ऑन है। मैं अगर ओमनी लाइट को अगर ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, जस्ट एक बार क्रॉस चेक करो, यहाँ पे सी इम्पैक्ट आ रहा है आपका यहाँ पे। आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, आप यहाँ पे अगर मैं सनसेट लाइटिंग पे काम करना है तो, ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके उन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। सीन आपके सामने यहाँ पे, अब इतनी चीज़ों को मैं फुलफिल कर सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करके कंपोजिशन में लेके चलता हूँ यहाँ पे, लाइक मुझे कुछ कंपोजिट करना, कंपोजिट करने के लिए लाइक चीज़ों को मैं अलग से मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने लाइट ऑन कर दिया यहाँ पे, कुछ जगह स्पेकुलर के लिए चाहिए तो मैं स्पेकुलर के लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कुछ जगह के पॉइंट को लाइक एरिया में मैनेज करता हूँ, लाइक सपोज एक लाइट लगा दिया यहाँ पे, और लाइट लगाने पर लाइक कहाँ का स्पेकुलर आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे चांसेस है जस्ट फॉर जूम, इसका एरिया हम लोग सेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। कलर में मुझे वही चाहिए लाइक ऑरेंज वाला कलर चाहिए, देन मैंने अपने काम को यहाँ पे ये मैं ऑरेंज वाला कलर से यहाँ से लेते हैं लाइट कॉपी, और मैं इसके अंदर में फिल कर सकता हूँ पेस्ट, ठीक है। इसका एक एरिया है, सो कितने एरिया में दिखाना है, जितने एरिया में दिखाना उतने एरिया को हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। सपोज मैंने यहाँ पे चेक करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे कुछ जगह दिखेगा यहाँ पे क्या, कुछ हाईलाइटेड पार्ट मुझे कहीं दिखाना तो वहाँ पे देख सकता हूँ, ठीक है। लाइक यहाँ पे या मैं किसी जगह पे मैं दिखाना चाहता हूँ, तो ऐसे करके हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक ये पार्ट में उस यहाँ पे मैं ऐसे भी कुछ मैनेज कर सकता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसमें भी दिखाया जा सकता है यहाँ पे, मुझे अपने आप हाईलाइटर यहाँ पे दिखेगा यहाँ पर थोड़ा सा, लाइक मैं उसको इंटेंसिटी साथ मैं प्ले कर सकता हूँ कि मुझे कहीं पर कोई चीज़ अगर पॉइंटेड दिखाना तो मैं दिखा सकता हूँ, ओके। जिसमें वैसे यहाँ पे अगर मैं चीन को थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो मेरा सीन और बेटर हो सकता है यहाँ पे। तो इस टाइप से हम चीज़ों को लाइक मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। लाइक अब जिसमें बस लाइट है, सपोज इस लाइट को मैं सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे कई बार ऐसा ऑप्शन भी आता है कि लाइक आप लाइटिंग को सेलेक्ट करते हो, लाइट को सेलेक्ट करते हो तो देन लाइट ही सेलेक्ट होगा आपके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, लाइक मैं स्पेकुलर ही दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास कुछ ऑप्शन हैं, टूल्स, लाइट लिस्टर, लाइट लिस्टर में जितने भी मैंने लाइटें लगाई सब दिखेंगे अपने यहाँ पे, मैं सबको ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, स्पॉट लाइट ऑफ कर दिया, ओमनी लाइट मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखते हैं एक लाइट यहाँ पे क्या आ रहा है, एक लाइट यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे विजुअल है। इस लाइट का जो मैंने काम कर दिया, लाइक मेरे पास जो लाइट है, लाइट को सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। जो एरिया जितना एरिया देखना, मैं इतने एरिया को पॉइंटेड कर देता, पॉइंटेड कर दिया मैंने यहाँ पे, मैं चाहता हूँ इतने एरिया पर ही विजुअल यहाँ पे। जिस भी डायरेक्शन में यहाँ पे देने वाले पोजिशन ठीक होनी चाहिए, लाइक
यहाँ पे आप हाईलाइटेड दिख रहे हैं पे, ये हाईलाइटेड पार्ट है। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर मैंने यहाँ पे शैडो मैप ऑन कर दिया, सपोज शैडो ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे, लाइट यहाँ पे देखो नीचे नहीं आ रहा, लाइट वहाँ पर रुक गया, शैडो ऑन करते हैं आपके पास यहाँ पे इम्पैक्ट रुक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे चीज़ों को हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक मैंने सब ऑन कर दिया यहाँ पे, इस टाइप से मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ। लाइक मैं एक स्पार्कलर यहाँ पे है, ठीक है, दूसरा स्पार्कलर मैं कहूँ यहाँ पे स्विफ्ट एंड कॉपी, ठीक है। कुछ हाईलाइटेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एरिया को हम लोग कम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे आपका एरिया उसके बारे में आप चीज़ें फुल हो देंगे, यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड वाला पार्ट आपको दिख जाएगा। अच्छा ऐसी जगह पर है तो मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद मैं सारी लाइटों को मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, लेकिन रिफ्रेश कर दूँ, रिफ्रेश लाइट आपको यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और देन आप सिंपल स्विफ्ट एंड क्यू रेंडर कर सकते हो आप यहाँ पे, कुछ जब आपके पास अपने आप हाईलाइटेड होते दिखेंगे यहाँ पे, कैसा कुछ आप चीज़ों को फिल कर सकते हैं यहाँ पे। एक दो ऑप्शन और हैं, लाइक मैं चाहूँ जैसे मुझे कुछ स्काई यूज़ करना, मैं स्काई यूज़ कर सकता हूँ, मैंने से कुछ स्काई निकालता हूँ यहाँ पे। ओके इज लाइक हमारे पास एक बेसिक पार्ट आ गया, ठीक है। रेंडर सेटिंग में कुछ हम लोग क्वालिटी, हम लोग अच्छे क्वालिटी में चाहें तो निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक यहाँ पे कुछ पार्ट है क्वालिटी में, एक बार आपको बता देता हूँ। लाइक कुछ सेटिंग्स है यहाँ पे, लाइक दूसरे हैं मैं यहाँ पे मिचल्स कर देता हूँ, ठीक है। सेटिंग वैसे आपको PDF में गिवन यहाँ पे, लाइक मीडियम में कर देते हैं, लाइक क्वालिटी वाइज किस तरह से काम होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसमें फुल भी काम कर सकते हो, लाइक हाई पे भी काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। कुछ पासिस वैसे अगर आप ऐड ऑन करना तो ऐड ऑन कर सकते हो, बाकी जस्ट बेसिक, ठीक है। इतने से हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। और मैं जब भी रेंडर करूँगा, रेंडर करने के बाद हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि 30 फॉन्ट हमें निकालना है, लाइक थोड़ा सा क्वालिटी मैंने बढ़ाने की कोशिश की है। क्वालिटी को ऐड ऑन करने के बाद लाइक मैं इसे लेके जाऊँगा सिंपल फोटोशॉप में, कुछ स्काई निकालने हैं। लाइक अभी रेंडर चला था तब तक हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, कुछ स्काई को हम लोग निकाल लेंगे, लाइक सनसेट स्काई करके यहाँ पे कुछ इमेजेस को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन कौन कौन से इमेजेस जो हमारे सीन के साथ काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके सेव एज इमेजेस, ये हम लोग मैक्स के अंदर भी लगा सकते हैं, ये हम लोग फोटोशॉप में भी लगा सकते हैं। तो मैं कुछ चीज़ों को ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करने वाला हूँ यहाँ पे। फाइल सेव एज, अलग अलग टाइप की चीज़ें, अलग अलग कलर भी आपको मिलेंगे यहाँ पे, जो हमारे कंपोजिशन के साथ अच्छा लगे हम लोग उन चीज़ों को मैनेज करने वाले हैं यहाँ पे, कि यार इनमें से कौन सा पार्ट हमारे लिए बहुत बेटर है। ठीक है, लाइक मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, फाइल सेव एज, ठीक है। जस्ट एक फोल्डर बनाते हैं, सनसेट का फोल्डर है मेरे पास यहाँ पे, फोल्डर क्रिएट करे मैंने। ओके जस्ट यहाँ पे मैं रेंडर सेव करने वाला हूँ, ठीक है। रेंडर जो सेव करेंगे, ठीक है, बेसिक के नाम से मैंने कर दिया, ठीक है। एंड देन फॉर्मेट दिया मैंने TGA। चलते हैं फोटोशॉप में, फोटोशॉप आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जस्ट क्लिक करते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे चलते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है सनसेट, सनसेट में चलते हैं रेंडर, रेंडर को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया यहाँ पे, ठीक है। रेंडर मेरे पास यहाँ पे आ गया, ओके। इन्हें सेपरेट करना है यहाँ पे, ठीक है। चैनल में चलते हैं यहाँ पे, एक अल्फा मिलेगा, कंट्रोल एंड क्लिक कर देना। ओके जस्ट वन मिनट, ठीक है। जस्ट कंट्रोल एंड क्लिक करना आपके यहाँ पे, देन यहाँ पे आपका स्पॉट आ जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। और देन आप चाहो तो कंट्रोल चेक कर सकते हो आप यहाँ पे, इसका आपका अलग निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ लेकिन मैं पे स्काई में अपने नीड के अकॉर्डिंग मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दो तीन स्काई लगा के देखते हैं कौन सा स्काई हमारे पास बेटर वे में रिप्रेजेंट करने वाला, ठीक है। तो जस्ट रिप्रेस करते हैं स्विफ्ट एंड ट्रैक। ओके जैसे मैंने दो ऑप्शन मैंने अरेंज किया, लेकिन एक ये है कि तो दोनों दोनों में से हम लोग देख सकते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है ये वाला,
सेकंड वाला पार्ट हमें ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक ऐसा कुछ सीन हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। सीन्स को मैनेज करना हमें आना चाहिए कि यार हमें अपने सीन को किस तरह से फुलफिल करना है यहाँ पे। लाइक सिंपल एफ प्रेस करो आप यहाँ पे, देन चीज़ों का रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सनसेट लाइटिंग आपके सामने पे रेडी है, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ एडजस्टमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, लाइक फोटोशॉप के अंदर मेरे पास कुछ ऑप्शन आते हैं यहाँ पे। लाइक यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, लाइक ह्यू एंड सेचुएशन, यहाँ पे गए थोड़ा सा सैचुरेटेड कलर सैचुरेशन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, लाइक कलर को इंक्रीज और डिक्रीज करना, तो मैं चीज़ों को मैनेज करके फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, जस्ट हमने कलर बैलेंस यहाँ पे यूज़ करके कलर बैलेंस के अंदर देखते हैं यहाँ पे, लाइक चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं कलर बैलेंस, कलर को थोड़ा मैनेज करने के लिए लिटिल बिट। ओके, देन यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, फोटो फिल्टर यूज़ करते हैं, फोटो फिल्टर, लाइक ऑल सब पे एक ही टोन एक ही टेंट आपको दिख गया यहाँ पे, ठीक है। आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, स्काई और उसके सीन के साथ भी काम फुलफिल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बेसिक पार्ट आपके यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने ह्यू एंड सेचुएशन पे यहाँ पे काम करके यहाँ पे, ठीक है। तो आप सेचुएटेड आप कलर को कम करना था कलर कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं कलर को थोड़ा एनहेंस किया यहाँ पे, एक सिचुएशन के साथ मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, लाइक यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा कलर को थोड़ा सा डल करने के लिए। ओके, तो इस टाइप से काम हो सकता है। आपको चीज़ों को एनहेंस कैसे करना है, आप चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे, और एक बेसिक सनसेट लाइटिंग आपके पास यहाँ पे रेडी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।